हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो हमें करेंटली 12 दिसंबर तक एक्टिव रहते हुए देखने को मिलेगी और ऐसे में ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रेड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन आगे आने वाली ट्रेड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अभी तक ट्रेड विंडो में ट्रेड हुए प्लेयर्स की लिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या और उनके साथी रोमारियो शेफर्ड को अपनी टीम में ट्रेड कर लिया था। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की बात की जाए तो इन्होंने SRS से मयंक डागर को और उनके साथी MI से कैमरन ग्रीन को ट्रेड कर लिया है। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आवेश खान को, SRH की टीम ने शाहबाज अहमद को और LHC की टीम ने देवदत्त पाडिकल को ट्रेड कर लिया है। इन सभी ट्रेड के अलावा अब अगर बात की जाए आगे आने वाले 2 हफ्तों हमें कौन कौन से प्लेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले इस लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है KL राहुल का। दरअसल KL राहुल के बारे में अगर बात की जाए तो इनके RCB में ट्रेड होने की बातचीत तभी से ही चल रही है जब से हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने की बातचीत चल रही थी। जिस तरीके से हार्दिक की ट्रेड भी पहले हमें इम्पॉसिबल नजर आ रही थी, उसी तरीके से अभी हमें KL राहुल की ट्रेड काफी हद तक इम्पॉसिबल नजर आती है। लेकिन हार्दिक की तरह ही काफी सारे ऐसे न्यूज सोर्सेज हैं जिन्होंने इस चीज को क्लेम किया है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम KL राहुल को ट्रेड करना चाहती है। हालांकि RCB की टीम के पास अब इतना बैलेंस पर्स अवेलेबल नहीं है कि वो कैश में KL राहुल को ट्रेड कर पाएंगे, तो ऐसे में अगर ये ट्रेड होती है तो फिर हमें ये ट्रेड प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगी। इस ट्रेड के रिगार्डिंग और आने वाली सारी ट्रेड के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देंगे, तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इनके बाद इस लिस्ट में अगले प्लेयर के तौर पर हमें नाम देखने को मिलता है ट्रेंट बोल्ट का। दरअसल ट्रेंट बोल्ट जो कि हमें राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेलते हुए नजर आते हैं, ट्रेंट बोल्ट को अब ऑफर किया है मुंबई इंडियंस की टीम ने, क्योंकि MI की टीम ने No. 1 से No. 7 तक अपनी बल्लेबाजी को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है और अब मुंबई इंडियंस की टीम को सिर्फ अपनी गेंदबाजी को स्ट्रांग करने की जरूरत है। ऐसे में ये टीम ट्रेंट बोल्ट को राजस्थान रॉयल्स की टीम से ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। इनके बाद इस लिस्ट में हमें आगे नाम देखने को मिलता है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का, जहां पर SRH की टीम ने अब कॉन्टेक्ट किया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से कि ये पृथ्वी शॉ को इनकी टीम में ट्रेड कर दें। दरअसल पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम पृथ्वी शॉ को अपनी टीम से रिलीज करने वाली थी, लेकिन अगर वो उनको रिलीज कर देते तो फिर वो उनको ट्रेड नहीं कर पाते, जिसके चलते अभी SRH की टीम के पास चांस है कि अगर ये पृथ्वी शॉ को ट्रेड करना चाहते हैं तो, क्योंकि पृथ्वी शॉ रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं, तो SRH की टीम इनको ट्रेड कर सकती है। और SRH को वैसे भी एक ओपनर की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिवली बल्लेबाजी कर पाए, जिसके चलते चाहते हैं कि पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में ट्रेड कर लें। इनके बाद इस लिस्ट में हमें आगे नाम देखने को मिलता है कार्तिक त्यागी का, जहां पर कार्तिक त्यागी एक युवा भारतीय गेंदबाज है जो कि IPL में अभी हमें उतना ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद 2 IPL की टीमें ऐसी हैं जो कि कार्तिक त्यागी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी। इन टीमों के लिस्ट में हमें नाम देखने को मिलता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस का, क्योंकि ट्रेड विंडो के कंप्लीट हो जाने के बाद RCB और मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने पहले 6-7 स्पॉट जो है वो ऑलरेडी फिल कर लिए हैं और अब दोनों ही टीमों को एक विदेशी तेज गेंदबाज या फिर इंडियन तेज गेंदबाज और उसके साथ ही एक लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट है, जिसके चलते RCB और उनके साथ ही मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमें कार्तिक त्यागी को अपनी टीम में ट्रेड करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।